हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका दोस्त मुजम्मिल हुसैन। और मैं हूं आपका दोस्त दानियल राजपूत, और आप देख रहे हैं मुजम्मिल एंड दानियल रिएक्शन चैनल। सो गाइस, अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में के बेल आइकन के बटन को लाजमी प्रेस कर दें ताकि हमारी लेटेस्ट अपडेट आप तक आसानी पहुंचती रहे। हम कुछ दिनों से नोट कर रहे हैं, कुछ दोस्त कुछ भाई हमारे ऐसे हैं जो हमारी वीडियो तो देखते हैं लेकिन हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। तो उनसे गुजारिश है कि प्लीज 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 हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और साथ लगे बेल आइकन के बटन को भी लाजमी प्रेस करें ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करें वो आप तक आसानी पहुंचती रहे। हमारी वीडियो मुकम्मल देखा करें। वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट लाजमी किया करें। आज हम जिस गाने पे बात करने वाले, उसका नाम है पौने 12। ये करण रंधावा और शिप्रा का गाना आ चुका है। भाई क्या लगता है, पौने 12 किस टाइप का गाना हो सकता है? भाई 12:15, ये तो टाइम का हिसाब है कि मतलब कि 11, मतलब कि 12 बजने से अगर 15 मिनट पीछे हो ना टाइम, मतलब कि सुई 9 पे हो, बड़ी सुई 9 पे हो, तो उसको कहते हैं 12:15। तो क्या लगता है, वही तो पूछ रहा ना, मेरे क्या को क्या ऐसा लग रहा लगता है है कि कि ये रोमांटिक है? रोमांटिक रोमांटिक होगा कि ना, नहीं रोमांटिक साइड दोनों हो सकता है। कैसे, वो ऐसा भी कह सकते हैं कि यार सैड इस वजह से कि यार तूने 12:15 बजे में मेरा साथ छोड़ा था, ऐसा भी कुछ हो सकता है। और 12:15 में ऐसा क्या मेरे कि को ऐसा ही मैंने लगता है कि पौने बारह छोड़ा हो कुछ, नहीं, मैं ये अपने रोमांटिक, मेरे को रोमांटिक सॉन्ग लगता रोमांटिक है मैं इस ऐसा। वजह से कह रहा हूँ ना कि रोमांटिक ये हो सकता है कि मैंने तुझे 12:15 बजे उसने बुलाया होगा कहीं पे, तो उसके साथ ये भी उसके चीज हो हिसाब से सकता भी। है। तो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते, चलते अपनी वीडियोस की जाने। लेट्स लेट्स गो। गो। केवीडी लो फ्रेंड्स है प्रेजेंट्स 12:15। ਹੁੰਦੇ ਵਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਕੁੜੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਗੱਭਰੂ ਜਵਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਰਿਹਾ ਗੋਲੀਆਂ ਗੰਜਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਦਾ ਅੱਖ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਬੁੱਕਰੀ ਫਿਕਰ ਨਾ ਦੱਬੇ ਪੈਰੀ ਆਊਂਗਾ, ਫਿਕਰ ਨਾ ਦੱਬੇ ਪੈਰੀ ਆਊਂਗਾ, ਲਿਆਉਂ ਨਾਲ ਘੋੜਾ ਰੱਖ ਕੇ ਆ ਕੇ 12:15 ਪੌੜੀਆਂ ਚ ਖੜ ਜੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਆ ਜੂ ਕੰਧ ਟੱਪ ਕੇ ਆ ਕੇ 12:15 ਪੌੜੀਆਂ ਚ ਖੜ ਜੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਆ ਜੂ ਕੰਧ ਟੱਪ ਕੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ 12:15 ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਘਰ ਦੀ ਪੌੜੀਆਂ ਤੇ ਆ ਜੀ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਆ ਜੂ ਕੰਧ ਟੱਪ ਕੇ ਤੇਰੇ ਘਰ ਦੀ, ਮਤਲਬ अमेजिंग ਅਮੇਜ਼ਿੰਗ ਯਾਰ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਯਾਰ ਇਹ ਬੋਲ ਵੈਸੇ। ਉਂਝ ਡਰਦੀ ਮੈਂ ਬੜੀ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਵੀ ਜਾਵਾ, ਮੈਨੂੰ ਜਗਾ ਟਾਈਮ ਦੱਸ ਉੱਥੇ ਮਿਲਣ ਮੈਂ ਆਵਾ। ਬਸ ਵੇਟ ਨਾ ਕਰਾਈ ਮੈਥੋਂ ਬਹੁਤੀ ਹੋਏ, ਵੇਟ ਨਾ ਕਰਾਈ ਮੈਥੋਂ ਬਹੁਤੀ, ਜੇ ਹੋਗੀ ਗੁੱਸੇ ਫੇਰ ਨਾ ਕਹੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ 12:15 ਪੂਰੇ ਆ ਕੇ ਖੜ ਜੂ, ਤੂੰ ਨਾ ਕਿਤੇ ਲੇਟ ਹੋ ਜਾਵੀਂ। ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ 12:15 ਮੈਨੂੰ ਵੇਟ ਨਾ ਕਰਾਈ, ਮੈਂ 12:15 ਉੱਥੇ ਖਲੋ ਜੂੰਗੀ ਆ ਕੇ, ਮੈਨੂੰ ਵੇਟ ਨਾ ਕਰਾਈ। ਯਾਰ ਕਮਾਲ ਹੈ ਯਾਰ, ਉਸਕਾ ਵੀ ਉਧਰ ਉਲਟ ਬੋਲਦੀ ਹੈ ਉਧਰ, ਹਾਂ कमाल हो गया यार वैसे गाना। और वीडियो बहुत अच्छी बनाई है, वो बाहर खड़ी रह गए, वो उसके घर में आ गए खाना खा, कमाल है यार। ये तो ये कैसे अंदर गया मेरे को पहले ये बताओ, वो ही उसकी सीढ़ी है, वो कैसे चला गया? जिन बन गए मैं तो 12:15 पूरे आके खड़े जाऊं ना कितने लेट हो जावीं। लॉन्ग ड्राइव, तू गया कभी किसी लॉन्ग ड्राइव पे? नहीं यार, लॉन्ग यार ड्राइव मैं करता हूँ, तू गया है जैसे वो शहर नहीं, यार की आइसक्रीम खाने ले गया था, ये लॉन्ग ड्राइव होती है। मतलब तू क्या मानता नहीं, है, नहीं, मान गया नहीं गया मैं मतलब ना, मान गया मैंने ये कहा मान मैं गया। ऐसे जगह की बात कर रहा हूँ, दो मोहल्ले छोड़ के साथ ही शहरियर वाले हैं। तो यार अभी तू अभी हो कराया छंग, डेटिंग पे गया था मैंने सुना है, अबे चल बे, डेटिंग पे गया था, इधर अबे मैंने चल, 50 किलोमीटर आई है, कुछ लॉन्ग भी ड्राइव बोल भी दिया, हो गया कुछ भी बोल दिया। जा रहे थे। खुद इतना स्टेटस लगाया गोइंग टू मैंने जंग, लगाया था, मैंने लगाया था स्टेटस गोइंग टू जंग जंग, और विद बाबी, वापसी वापसी विद मैंने, बाबी और चल विद भाभी का निशानी चल। गल तू भी सीने मेरे लग गई, दिने सुनिए जमाना वेरी प्यार दा, सुनिए जमाना वेरी प्यार दा, रंधावा राती आउंदा आके के आगे 12:15 पौड़ियां च खड़ जी, मैं भी आ जू कंध टप के आगे 12:15 पौड़ियां च खड़ जी, मैं भी आ जू। साढ़े
चुप चाप सिद्धा सिद्धा ही वे चुप चाप सिद्धा सिद्धा ही नाराज वेलियां गुड़े जाई मैं तो पौने बारा पूरे आके खा जू तूने कितने लेट हो जानी आगे पौने बारा पौनियां च खड़ जी मैं भी आज कांधे टप के वाच वाच मैन वाह एंड यार सो किवें लगा साडा नवा गाना लाइक ते कमेंट करके जरूर दस्यो ते मेरे नवे नवे गाने सुन ली सब्सक्राइब कर लो गीत एमपी थैंक यू ओ वाह कमाल यार गाना भी अच्छा था और वीडियो बहुत अच्छी भाई मेरे को ऐसा लग रहा है कि ना इसका जो ये एल्बम है एल्बम का गाने आ रहे हैं रेनबो रेम्बो गाने के तो रेम्बो एल्बम के गाने आ रहे हैं तो मेरे को अच्छा लग रहा है ये गाने गीत MP3 पे ही आ रहे हैं तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि गीत MP3 ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ ये स्टार्टिंग से ही गीत MP3 के साथ है क्योंकि मैंने उनके पुराने गाने सुने हैं ये गीत MP3 के साथ ही जुड़े हुए हैं जब से उन्होंने मेरे ख्याल से गाना स्टार्ट किया है तो कर रहे हैं गीत MP3 के साथ क्या यार अगर आप किसी के साथ अच्छा करते हो तो कोई आपके साथ अच्छा करेगा ना गीत अगर फर्ज करें आप गीत MP3 इनके साथ अच्छा करेगी मतलब गीत MP3 भी लोग ही हैं जैसे गुड़ी मेरे ख्याल से वो हैं ऑनर शायद इनके गुड़ी जो हैं क्योंकि मैंने सबसे पहले उनका ही सुना था गीत MP3 पे गाने तो गुड़ी मेरे को लगता है कि ओनर है शायद गीत MP3 का शायद उनके साथ वो अच्छा इनके साथ बिहेव कर रहे होंगे अच्छा पैसा दे रहे होंगे या अच्छी लोकेशन वगैरह जितना ये पैसा लगा रहे होंगे वो पैसा लगाते हैं तो ये गाना गाते हैं लिखते हैं वो पैसा लगाते हैं और आगे YouTube पर या कहीं भी जिस भी तरीके से पैसा वो कमाते हैं तो ये चीजें तो गाने में बात करें तो गाना बहुत अच्छा है मेरे को बहुत अच्छा लगा है पौने बारह तू अब सीनिया जाए खरजी ठीक हो गया अगे लड़की कह रही है मैं पूरे पौने बारह आज मगर तू मेनू बोता वेट ना कराई कमाल का गाना है यार ये और वीडियो बहुत अच्छी है सीन बहुत अच्छे लिए हैं पैसा लगाया ना भाई और पैसा लगाओगे तो पैसा कमाओगे और मैं रोमांस कर रहे हैं वो बैठे हैं ना तो और साथ में लैपटॉप पे एप्पल के लैपटॉप पे वो फिल्म लगाई है किसकी शाहरुख खान की जो वो भी वो है दिल वाले दुल्हनिया ले जाए फिल्म देख रहे हैं तो कमाल की मूवी है यार वो भी और ये कमाल का गाना उन्होंने गा दिया है मैं कह रहा हूँ एंड कर दिया रोमांटिक गाने में एंड कर दिया वैसे ड्रेसिंग बहुत अच्छी है लड़की की भी और लड़के की भी वो व्हाइट पैंट कोड बहुत अच्छा लगा मेरे को तेरे को व्हाइट पैंट कोड अच्छा लगा मेरे को ना ये जो अपना करण रंधावा इनकी वो जो हल्की हल्की दाढ़ी तेरे को अच्छी लगी है हाँ वो अच्छी लगी और बाकी ब्यूटीफुल भी है ब्यूटीफुल लगे हैं कूल है चिल है चिल चिल हाँ और बाकी गाने की बात करें म्यूजिक लिरिक्स वैसे बहुत स्मूथ थी और वीडियो का एडिटिंग भी बड़े जबरदस्त है म्यूजिक भी कमाल है और सीन्स भी बड़े अच्छे लिए गए हैं तो बाकी अगर आप ये गाना सुनना चाहते हैं तो इसका लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा वहां पर जाकर ये गाना आसानी के साथ सुन सकते हैं लेकिन वहां पर जाने से पहले हमारी आपसे गुजारिश है कि अगर चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें साथ में बेल आइकन के बटन को लाजमी प्रेस कर दें ताकि हमारी लेटेस्ट लेटेस्ट अपडेट आप तक आसानी पहुंचती रहे अगर आप चाहते हैं कि हम आपको बताए हुए किसी गाने पर किसी ट्रेलर पर या किसी टीजर पर रिएक्ट करें तो प्लीज हमें कमेंट में जरूर बताएं हम पूरी कोशिश करेंगे उस पर रिएक्ट करने की मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।